हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं शुद्धि क्रियाओं यानी कि षटकर्म के बारे में बताऊंगी, जिसके अंतर्गत नेति, दोति, नौली, वस्ति, कपालभाति एंड त्राटक छह क्रियाएं आती हैं। इसके पहले में योग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है एंड अष्टांग योग क्या है, प्राणायाम क्या है, इसके बारे में बता चुकी हूँ। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी, राजस्थान पीटीआई, डीएसएसबी, ये सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो मेरे चैनल पे है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियो टीबीएससी और एमसीक्यू क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। एंड डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस दिए जाते हैं, उसका भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं शुद्धि क्रिया यानी षटकर्म क्या है। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि शुद्धि क्रिया यानी षटकर्म का अर्थ क्या है। शुद्धि क्रिया का अर्थ क्या है? जैसे कि हमारा शरीर एक वाहन की तरह है, भली प्रकार वाहन को चलने के लिए आंतरिक व बाह्य रूप से ठीक प्रकार से साफ रखा जाता है। जैसे हम अपने हाथ धोते हैं, वैसे ही हमें अपने आंतरिक मार्ग की साफ रखने चाहिए, क्योंकि वे त्वचा के रूप ही हैं। शुद्धि क्रिया को षटकर्म भी कहते हैं। यह विशिष्ट तथा योजनाबद्ध विज्ञान है। षट का अर्थ है छह तथा कर्म का अर्थ है क्रिया। तो षटकर्म में सफाई व्यायाम के छह ग्रुप हैं। जो योगी क्रियाएं करते हैं उनकी आवश्यक शक्ति को बढ़ाते हैं। ये उपचार नहीं है, बल्कि वे शरीर व मन में संतुलन बनाकर उसे आगे अभ्यास के लिए तैयार करते हैं। ये शरीर के तंत्र को सहज व दक्ष बनाते हैं। उनके करने से मन अशांतियों व शोर शराबे से मुक्त होता है तथा केंद्रित होकर ध्यान की तरफ अग्रसर होता है। व्यक्ति की काम करने, सोचने, हजम करने, सूंघने, महसूस करने की क्षमता बढ़ती है तथा जागरूकता में अपार वृद्धि होती है। ये तो हुआ शुद्धि क्रिया का अर्थ। अब हम समझेंगे कि शुद्धि क्रिया का उद्देश्य क्या है। जैसे कि दोस्तों, दो मुख्य प्राणों के पथ ईड़ा व पिंगला के बीच संतुलन बनाती है यह, जिससे मानसिक शुद्धि होती है। शरीर के तीन दोष वात, पित्त, कफ के बीच संतुलन भी बनाती है। इन दोषों में असंतुलन होने से बीमारी होती है। शुद्धि क्रिया का मुख्य उद्देश्य शरीर की स्वच्छता है। जब शरीर के विभिन्न तंत्र साफ सुथरे होंगे तो शरीर में ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगेगी। अब हम बात करते हैं शुद्धि क्रिया के प्रकार की। जैसे कि जब वसा या कफ शरीर अधिक हो तो छह सफाई क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। हठ योग में यह विशेष व्यायाम, हठ योग का यह विशेष व्यायाम है जो शरीर से फालतू वसा, सांस के रास्ते से कफ तथा पेट व आंत से गैस निकालने के लिए है, जिन्हें घाट कर्मा कहते हैं। तो दोस्तों, यह पूछा जा सकता है कि शुद्धि क्रिया का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है, तो हठ योग के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, शुद्धि क्रिया का वर्णन हठ योग के अंतर्गत किया गया है। तो शुद्धि क्रिया, जिसे षटकर्म बोला जाता है, यह छह प्रकार की होती है। ये छह प्रकार की कौन कौन सी होती है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी एंड इसका डिटेल में बताने के लिए अलग अलग क्रियाओं, छह क्रियाओं की अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी जानते हैं, जिससे आपके परीक्षा में आने के बाद आप उसको गलत न करें। जैसे कि षटकर्म छह होते हैं, नेति, दोति, नौली, वस्ति, कपालभाति, त्राटक। जो नेति होता है, ये नासिका द्वार को साफ व स्वच्छ बनाने की क्रिया है। इसमें नेति दो प्रकार की होती है, जल नेति तथा सूत्र नेति। जल नेति में जल के द्वारा नासिका को साफ किया जाता है एंड सूत्र नेति में सूत्र के द्वारा नासिका को, धागे के द्वारा नासिका को साफ किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड दूसरा है धोती। धोती में क्या होता है, यह आंतरिक सफाई का काम करता है। जैसे कि यह स्वच्छ क्रिया की क्रमवार है। क्या है कि यह मुंह से गुहा तक यानी पूरी आमाशय नली को
साफ करती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि भीगे हुए कपड़े पट्टी जैसा करके पूरे मुंह से धीरे धीरे अमाशय तक डालते हैं, और धीरे धीरे पानी पी पी करके कि बीच में फंसे ना। और फिर डालने के बाद हम 15 से 20 मिनट तक उसी तरह रहते हैं, फिर दाएं बाएं नौली करते हैं, फिर यहाँ तक 5 से 10 मिनट तक यहाँ पे पर्याप्त रूप से साफ करते हैं, फिर बैठ कर धीरे धीरे कपड़ा को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह इसमें कफ, दमा, स्प्लीन के रोग तथा ज्यादा म्यूकस के रोग धोती से ठीक होते हैं। तो इस प्रकार धोती से अमाशय नली को साफ किया जाता है। मुख गुहा से कपड़ा डाला जाता है अमाशय तक, फिर बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। फिर क्या होता है, तीसरा होता है नौली। नौली क्या होता है, हमारे उदर यानी पेट के अंगों की मालिश कर मजबूत बनाता है। हमारे पेट की मांसपेशियों को क्या करता है, मालिश करके मजबूत बनाता है। जैसे कि हम नौली में क्या करते हैं, या उदर की मालिश करता है, यानी कि सबसे पहले हम झुक जाएंगे और अपने दोनों दाएं से बाएं पेशी को घुमाएंगे। ठीक है, इसमें घुमाया जाता है। एंड क्या किया जाता है कि इसमें झुक करके अपने दोनों हाथ को घुटने पर रख लेंगे और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, और फिर दाएं से बाएं घुमाएंगे, बाएं से दाएं घुमाएंगे यानी कि दाएं नौली, फिर बाएं नौली करेंगे यानी कि दाएं से बाएं घुमाएंगे। ठीक, इस प्रकार नौली किया जाता है। यानी कि इस प्रकार जो नौली होता है वह 3 प्रकार का होता है, दाएं नौली, बाएं नौली और मध्य नौली। जैसे कि जब पेट की पेशियां, या रेक्टस एब्डोमिनल जो सीधी पेशी होती है पेट की, वो पेशियां दाएं से बाएं से दाएं घूमेंगी तो दाएं नौली, जब दाएं से बाएं घूमेंगी तो बाएं नौली, और जब पेशियों को इकट्ठे खींचते हैं तो मध्य की पेशियों का यानी बीच की पेशियों का समूह बाहर निकल आता है, तो इसे मध्यमा नौली कहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की नौली होती है, ये ध्यान में रखिएगा, दाएं नौली, बाएं नौली, मध्यमा नौली। ठीक है, इसे अपच, अच्छी अपच नहीं होता है यानी पाचन क्रिया सही होता है, बहुत सारे रोग इससे दूर होते हैं पेट के। ठीक है, चौथा होता है बस्ती। बस्ती में क्या किया जाता है कि बड़ी आंत को धोने और मजबूत बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, एंड पांचवा होता है कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है कि यह मस्तिष्क के अग्रभाग को पवित्र करने की यानी सांस लेने की क्रिया है। जैसा कि इसमें क्या किया जाता है कि लोहार की धोकरी की तरह सांस को अंदर और बाहर लेने यानी लेने और छोड़ने की क्रिया बहुत तीव्रता से की जाती है। जैसा कि आप किए होंगे या देखे होंगे, यह सभी क्या करता है, म्यूकस गड़बड़ियों को ठीक करता है, और कपालभाति हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, पूरे दिमाग को चुस्त बनाकर सोए हुए केंद्रों को जगाता है जो सोचने की शक्ति बढ़ाते हैं। इसमें अंदर सांस तीव्र लेते हैं और तीव्र समय तथा छोटे समय धीमा हो जाते हैं। धोखनी की तरह सांस लेना होता है, जब धोखनी बंद होती है तो हवा बाहर जाती है, जब खुलती है तो हवा अंदर खींची जाती है, क्योंकि उसी प्रकार कपालभाति में तेजी से हवा छोड़ते हैं। ठीक है, धोखनी की तरह तेजी से हवा छोड़ते हैं, मतलब छोड़ने की क्रिया आपको दिखाई देगी, लेने की क्रिया इसमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तेजी से हवा बाहर छोड़ते हैं, इससे चेहरे की पेशियां ढीली होती हैं तथा व्यक्ति का चेहरा जवान, चमकीला और झुर्रियों से मुक्त होता है। एंड छठवां क्रिया होता है आपका त्राटक। त्राटक मतलब कि एक बिंदु पर या वस्तु पर लगातार देखने की क्रिया, देखने का जो व्यायाम है, यानी एक बिंदु या वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, लगातार देखना, अपनी आंखों की दृष्टि उस पर बनाए रखना जब तक उसमें आंसू ना आ जाए। ठीक है, इससे हमारी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, एकाग्रता बढ़ती है। यह षटकर्म की अंतिम क्रिया है। त्राटक क्या है, षटकर्म की अंतिम क्रिया है। ठीक है, किसी बिंदु, एक संकेत या वस्तु हो सकती है जहां पे हम आंतरिक ऊर्जा को जगाती है या मन को बांधती है, इसमें मोमबत्ती या दिए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि आंख बंद करने पर भी जो ज्वाला होती है दीपक की, वह उसका प्रभाव कुछ देर तक रहता है। एक बिंदु पर दृष्टि जमाए रखने का बुनियादी कारण है कि आंतरिक दृष्टि को जगाना तथा आंख की गतिविधि को रोककर दृष्टि को बनाना। त्राटक
त्राटक से आंख की बीमारियां, थकावट दूर होती हैं, बीमारियों को पैदा करने वाले रास्तों को रोकती हैं और आंखों को न केवल फायदा मिलता है तथा शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी मानसिक कार्य भी पूर्ण होते हैं और आंखों की दृष्टि साफ व उज्ज्वल बनाती है त्राटक। तो दोस्तों ये था आपका शुद्धि क्रिया यानी कि षठ कर्म। 6 षठ कर्मों के बारे में मैंने इसमें बेसिक जानकारी बताया, जिससे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको गलती नहीं करेंगे। जैसा कि यह शुद्धि क्रिया हठ योग के अंतर्गत आता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि शुद्धि क्रिया किसके अंतर्गत आता है, यह हठ योग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था शुद्धि क्रिया यानी षठ कर्म के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगी। एंड दोस्तों जितने भी योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस सभी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो से रखूंगी और जो भी योगा से रिलेटेड बचा हुआ है पार्ट उसको भी पूरा करूंगी और जितने भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगी। बस आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।